हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है शिविर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर फाइव का ऑलरेडी ट्रीज वाला मतलब फॉरेस्ट वाला जो एरिया था वो हमने कवर कर लिया था जिसमें हमने ट्रॉपिकल डेसीडियस ट्रॉपिकल एवरग्रीन थॉर्नी फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिया था अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर देखिए उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए इस लेक्चर में हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में कवर करने वाले हैं कौन कौन से नेशनल पार्क सेंचुरी और टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम और अदर एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं उसके बारे में देखेंगे प्लस इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लियर है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ से तो वाइल्ड लाइफ मतलब जैसे कि फ्लोरा की वैरायटी है इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं इंडिया उसी तरीके से फोना की भी बहुत सारी स्पीसीज हमारे यहाँ पाई हमारे यहाँ पाई जाती हैं अप्रोक्सीमेटली नाइनटी थाउजेंड एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं और कंट्री के पास अबाउट टू थाउजेंड स्पीसीज किसकी हैं वर्ड्स की स्पीसीज हैं और इसमें से जो ये जो पूरी नाइन्टी थाउजेंड एनिमल स्पीस है ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करती है वर्ल्ड का टोटल थर्टीन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती है ठीक है उसमें से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स पीसीज जो है वो फिश की भी पाई जाती है जो अप्रॉक्सिमेटली ट्वेल्व परसेंट ऑफ वर्ल्ड स्टॉक को कवर करती है ठीक है समझ में आया 90,000 एनिमल स्पीशीज है 2,000 थाउजेंड स्पीशीज है जो 30% 13% ऑफ वर्ल्ड का टोटल काउंट करती हैं और 2546 फिशेस की स्पीसीज है जो 12 परसेंट काउंट करती है ठीक है इट आल्सो शेयर्स बिटवीन 5 टू 8 परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड दी मैम एम्फीबियंस कौन होते हैं जो लैंड और रिवर दोनों में रह सकते हैं लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एम्फीबियंस बोलते हैं और रेप्टाइल और मैमल्स की भी जो कैटेगरी है वो फाइव टू एट है वर्ल्ड के में ठीक है एलिफेंट जो है वो सबसे मेजेस्टिक एनिमल्स

और ये हमारा चौसिंगा मतलब फॉर्न हॉर्न एंटीलॉप गैजल एंड बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर जो होते हैं वो मिलते हैं अदर एनिमल्स जो है इंडिया में ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं तो बहुत सारी सेवरल स्पीसीज है मंकी की वो भी इंडिया में मिलती है तो बहुत टाइप के एनिमल्स जो मिलते हैं उनमें से मेन है एलिफेंट हमने देख लिया वन ऑन राइनोस देख लिया फिर वाइल्ड एस देख लिया जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं इंडियन मिशन नील गाय गजल और अलग अलग डियर की स्पीसीज पाई जाती हैं उसके अलावा मंकीज की भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं उसके अलावा आपको ये जानना जरूरी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में नाइनटीन में इम्प्लीमेंट किया गया था क्लियर अब इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे टाइगर एंड लायन दोनों ही पाए जाते हैं ठीक है थीके? जो नेचुरल हैबिटेट है इंडियन लायन का वो कहाँ पर है गिर फॉरेस्ट इन गुजरात गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का वहां पे इंडियन लायन पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं एशियाटिक लायन पाया जाता है और जो टाइगर्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल के वहां पर पाए जाते हैं और उसके अलावा हिमालयन रीजन में आपको टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं उसके अलावा लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं लेपर्ड्स कौन होते हैं जो कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं ये भी एक एनिमल ऑफ है मतलब ये भी अटैक करके मतलब एक फूड चेन का पार्ट है लेपर्ड्स काफी अच्छा तो इंडिया हमारी ऐसी कंट्री जहाँ पे टाइगर्स एंड लायंस पाए जाते हैं अब ये आपको पता होगा कि गिर फॉरेस्ट जो है वो लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लायंस का गिर के अलावा कहीं पर भी एशियाटिक लायंस नहीं पाए जाते हैं अब क्लियर चलिए हिमालयन हार्बर हैज हिमालय हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड हिमालय में ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एकदम एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करते हैं जैसे कि लद्दाख का फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आ रहा होम टू द याक द शेगी हॉन्ड वाइल्ड ऑक्स वेराउंडन ठीक है तो लद्दाख के जो फ्रीजिंग हाई अल्टीट्यूड वहाँ पे याक पाया जाता है शेगी हॉन्ड वाइल्ड पाया जाता है शेगी हॉन्ड वाइल्ड ऑक्स पाया जाता है जिसका वेट अराउंड वन टन होता है टिबेटन एंटीलॉप पाया जाता है फिर भराल पाया जाता है जिसको ब्ली ब्लू शीप भी बोलते हैं ये वाइल्ड शीप भी पाया जाता है उसके अलावा

नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से ये सारे आपको देखने हैं देखो जो रेड मार्क है एक सेकेंड जो रेड सर्कल बना हुआ है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो स्टार है वो वर्ल्ड सेंचुरीज है और जो नेशनल पार्क है वो ट्राइंगल से बना हुआ है तो दचिंगम नेशनल पार्क जो आता है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है फिर राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आता है जिसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है फिर दुधवा नेशनल पार्क जो आता है वो उत्तर प्रदेश में आता है राजगीर जो आता है वो कहाँ पर आता है हमारा बिहार में आएगा फिर आता है गोरुमारा और मानास नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क मानास एंड काजीरंगा कहां पर आएगा आसाम में आएगा केवला देव घना जो है वो कहाँ पर आएगा राजस्थान में आएगा शिवपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में आएगा रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो भी कहाँ पर आता है हमारा राजस्थान में आता है क्लियर फिर काना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में आएगा तदोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में आएगा गिर नेशनल पार्क गुजरात में आएगा संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में आएगा बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में आएगा और ये है गुंडी बेदांत थंगल ये शायद तमिलनाडु में आएगा क्लियर फिर सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में आएगा तो ये सारे आपको नेशनल पार्क तो याद ही रखने हैं उसके अलावा अब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपने आप से लोकेट कीजिएगा कि कहाँ पर कहाँ पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज आती हैं क्लियर है इतना चलिए देखो अब हमने नेचुरल वेजिटेशन कवर कर लिया वाइल्ड लाइफ कवर कर लिया अब क्या है हम वर्ड्स लाइफ को देखेंगे हाँ इंडिया में जो वर्ड लाइफ है वो भी बहुत कलरफुल है मतलब कि इंडिया में बहुत सारी कलरफुल वर्ड्स जो होती है वो पाई जाती है जैसे कि पिकॉक्स हो गए ठीक है फीजेंस हो गए डक्स हो गए पैराकिट्स हो गए क्रेन्स हो गए पीजेंस हो गए ये सारी जो वर्ड्स है वो हमारे फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में रहती हैं वेटलैंड्स क्या होता है ये आपको सर्च करना है कि क्या होता है वेटलैंड्स और इसका इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस होता है इसके लिए मैं एक बात बता देती हूँ आपको रामसर सर कन्वेंशन राम कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाता है वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए तो रामसर रामसर वेटलैंड करके आप सर्च कीजिएगा तो आपको आपको कंजर्वेशन प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा जो कि वेटलैंड के लिए क्या है और इंडिया की कितनी साइड इंक्लूडेड है वो भी आप सर्च कीजिएगा इसको आप इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा ठीक है उसके अलावा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी ठीक है अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्टेड क्रॉप्स हैं जो बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से हमको मिलती है जैसे कि रिवर्स ऑफ दी एडिबल प्लांट्स हमको मिलते हैं और हमने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का भी एक्सपेरिमेंट किया गया और सिलेक्ट किए हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं एनिमल्स को भी सिलेक्ट किया जाता है जैसे कि नेचर ने हमको कौन से एनिमल्स दिए मिल्क एनिमल्स दिए ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं जैसे कि काऊ हुआ और फिर हमारी बफेलो हुए ये सारे मिल्क एनिमल्स हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो मिल्क

अपना फूड कंज्यूम करता है तो वो एक न्यूट्रेटिव फूड होता है ठीक है न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है फिश के अंदर इसके अलावा बहुत सारी इंसेक्ट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं पॉलीनेशन क्रॉप्स का पॉलीनेशन करने में हेल्प हेल्प करते हैं और फ्रूट ट्रीज बनाते हैं ठीक है थीके? एंड एग्जर्टिंग द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट इज हार्मफुल अगर हम कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं इन इंसेक्ट के ऊपर तो वो हार्मुल होता है हर स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर रोल होता है इको सिस्टम में जैसे ह्यूमन का कुछ रोल है लाइन का कुछ रोल है इंसेक्ट का कुछ रोल है वल्चर का कुछ रोल है इस वजह से हमको क्या होता है हर असेंशियल हर एनिमल को क्या होता है कंजर्वेशन जरूरी होता है क्योंकि उसका एक फिक्स्ड रोल होता है इकोसिस्टम में जैसे कि वल्चर है ठीक है वल्चर का कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाता है क्यों चलाया जाता है क्योंकि वल्चर जो होते हैं वो हमारे एन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं जो डिकेइंग मैटर होता है या डेड बॉडीज होती है उनके ऊपर फीड करते हैं तो एन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं इसलिए वल्चर का होना भी जरूरी है और वल्चर का पॉपुलेशन एकदम से बहुत कम हो गया था अभी इसलिए गवर्नमेंट ने वल्चर को कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया है अब अभी हमारे इकोसिस्टम, ह्यूमन बीइंग के वजह से डिस्टर्ब हुआ है क्यों क्योंकि uh, आपको, तो आपको एक रिजर्वर चा, चाहिए रहेगा जहां पर आपको वाटर को स्टोर करना है डैम के ठीक है तो वहां पर उस एरिया को पूरा क्लीन किया जाता है क्या एरिया क्लीन किया जाएगा फॉरेस्ट क्लीन किया जाएगा तो फॉरेस्ट के साथ जो पर्टिकुलर प्लांट्स होंगे वो भी चले जाएंगे और वहां पे जो इन एनिमल्स होंगे वो भी आ, मर जाएंगे तो इस वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं एक्सप्लॉइट होते हैं एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होता है अभी तक थर्टीन हंड्रेड प्लांट स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड है और ट्वेंटी है वो वो क्या हो चुकी है? Extinct हो चुकी चुकी एक्सटिंक्ट ठीक है कुछ few animal species है कुछ फ्यू एनिमल जो भी एक्सटिंग में है और कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी है मेन कॉज जो है वो है इनका नेचर आर हंटिंग बाई ग्रीडी हंटर्स जो ग्रीडी हंटर्स होते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए हंटिंग करते हैं अब कमर्शियल पर्पज के लिए हंटिंग करना मतलब एक लार्ज स्केल में हंटिंग की जाती है तो उसके वजह से जो एनिमल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं एक्सटिंक्ट हो जाते हैं फिर पॉल्यूशन भी हो रहा है केमिकल और इंडस्ट्रियल की वजह से इसके वजह से क्या होता है बहुत सारी जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं एसिड डिपॉजिट हो रहा है एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है रेकलेस कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की फॉरेस्ट की कटिंग होने की वजह से जो लैंड होता है वो या तो कल्टिवेशन में ले लिया जाता है या हैबिटेशन में ले लिया जाता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन में ले लिया जाता है इसके वजह से क्या होता है हमारा नेचर का इम्बैलेंस uh, हो जाता है नेचर इनबैलेंस हो जाता है क्लियर अब हमको क्या करना चाहिए अब देखो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो फ्लोरा एंड फोना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए क्या स्टेप्स लिए हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए हैं कौन सी कंजर्वेशन प्रोग्राम तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं नेशनल पार्क्स बनाए हैं फिर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया ऐसे हमारी इंडिया में एटीन बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको सेटअप किया गया है फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें से जो दस हैं वो हैं सुंदर नंदा देवी गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी नौकरेक ग्रेट निकोबार मानस सिमलीपाल पचमढ़ी अचानक माँ अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में आता है ये सारे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्पियर रिजर्व में आते हैं मतलब टोटल एटीन बायोस्पियर रिजर्व में उसमें से दस जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्पियर रिजर्व में आते हैं ये पुराना डेटा है इसका आप नया डेटा जो है वो गूगल कर सकते हैं ठीक है इसमें क्योंकि ये हर साल अपडेट होता रहता है कुछ ना कुछ ऐड होता है शायद लास्ट जो ऐड हुआ है वो पन्ना नेशनल पार्क जो है पन्ना बायोस्पियर रिजर्व जो है उसको ऐड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्पियर रिजर्व में ठीक है थीके? तो एक बार आप इसको जब भी ये लेक्चर देखें उसके बाद एक बार आपको कितनी बायोस्पियर रिजर्व है इनको चेक करना है या तो आप करंट अफेयर से चेक कीजिए या फिर गूगल पे खुद जाकर चेक कीजिए तभी तो आप अपडेट रहेंगे यूपीएससी या स्टेट पी एग्जाम के लिए क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि बायोस्पियर रिजर्व अभी कौन सा ऐड हुआ था कौन सा जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क में आता है अभी टोटल इंडिया में कितने बायोस्पियर रिजर्व है तो ये सारे जो कॉमन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं लिया? अब देखो ये सारी चीजें न्यूज में रहती है वल्चर टास्क, टाइगर के लिए अलग -अलग प्रोग्राम चलते हैं है, टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी बनाई गई है तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा न्यूज में रहते हैं तो इनके बारे में आपको न्यूज फॉलो करनी है अब माइग्रेटरी वर्ड्स क्या होती है माइग्रेटरी वर्ड्स मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट होके आती है

डेट मर्ज विदी ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे डेजर्ट जो सी के साथ मर्ज होता है वहां पे फ्लैमिंग आती है ब्रिलियंट पिंक प्लमेज होता है कम इन द थाउजेंड टू बिल्ड द नेस्ट अमाउंट फ्रॉम द सोल्टी एंड रेज दियर यंग वन ठीक है माइग्रेशन के लिए आती है डिजर्ट और सी वाले एरिया में आ जाती है ठीक है तो ये सारी है मेन कौन सी है साइबेरियन क्रेन है और एक फ्लेमिंगो है. फ्लेमिंगो है जो आती है वो क्या करती है सॉल्टी वाटर में अपने यंग वंस को रेज करने के लिए आती है. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट है कंट्री में जहां पे बहुत ज्यादा माइग्रेटरी वर्ड आती है इट इज नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आर्ट हमारा कुछ नेचुरल हेरिटेज नहीं है पर वहां पे माइग्रेटरी वर्ड आती है इस वजह से वो फेमस है अब एटीन बायोस्पियर रिजर्व कौन से ये आपको याद रखना है सुंदर गल्फ ऑफ मन्नार नीलगिरी नंदा देवी नॉक्रेक ग्रेट निकोबार एंड मानस फिर सिमलीपाल दिहांग दिवांग दिब्रू शाइकोवा और अगस्त्य मलाई कंचनजंगा पचमढ़ी अचानकमार, मार अमरकंटक ये सारी जो प्लेसेस हैं वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं क्लियर चलिए अब फाइनेंशियली और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स को सिंस 1992 1992 के बाद गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स को क्या प्रोवाइड करती है टेक्निकल असिस्टेंस देती है जैसे कि कच्छ हो गया कोल्ड डेजर्ट हो गया कोल्ड डेजर्ट कहाँ आते हैं लद्दाख में आते हैं ठीक है उसके बाद सेशन चलम हिल्स आती है फिर पन्ना टाइगर रिजर्व आते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में आता है कच्छ गुजरात में आता है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में आता है शेषर हिल्स शायद महाराष्ट्र में आते है एक बार आप देख लीजिएगा फिर थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हुआ प्रोजेक्ट राइनो हो गया प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्स हो गए और बहुत सारी इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन सारी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जैसे टाइगर के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है राइनो के कंजर्वेशन के लिए राइनो प्रोजेक्ट चलाया गया है क्लियर चलो नेक्स्ट है वन जीरो थ्री नेशनल पार्क है इसमें से इंपॉर्टेंट जो हमने लोकेट किए थे अभी अभी मैप में उसके अलावा वन जीरो थ्री नेशनल पार्क है फाइव थर्टी फाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जियोलॉजिकल गार्डन्स हैं जो इंडिया में सेटअप किए गए हैं नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए क्या करने के लिए नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल इको सिस्टम फॉर आर ओन सर्वाइवल ये सब हमको क्यों गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है ये सब हमको बताते हैं कि क्यों नेचुरल इको सिस्टम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वजह से इनका सर्वाइवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इनका कंजर्वेशन कर रहे हैं ठीक है इट इज पॉसिबल इफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इनडिसमेंट इज पिट टू एन इमीडिएट एंड अगर हमारा नेचुरल एनवायरमेंट को हम एंड कर देंगे या डिस्ट्रक्ट कर देंगे तो उसके वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है वो एक साथ खत्म हो जाएगा इस वजह से हमको इन सारी चीजों का कंजर्वेशन जरूरी है ठीक है चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देखो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको ट्रॉपिकल से वेजिटेशन से लेके वाइल्ड लाइफ तक हाँ ये देखिए एक सेकेंड देखो फ्लोरा एंड फोना जो होता है फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज फोना मतलब एनिमल स्पीसीज किस किस पर डिपेंड करती है लैंड पे डिपेंड करती है कहीं माउंटेन्स होते हैं कहीं प्लेटी होती है तो अलग अलग तरह का वेजिटेशन होता है सॉइल में भी अलग अलग तरीके का वेजिटेशन होता है कहीं पे ब्लैक सॉइल होती है कहीं रेड सॉइल होती है अलग अलग वेजिटेशन वो लोग सपोर्ट करते हैं टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है कूल cool टेम्परेचर में टेम्परेचर में अलग तरीके की प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है और हॉट टेम्परेचर में हॉट क्लाइमेट में अलग तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं क्लियर उसके अलावा हमने देखा था फोटो पीरियड सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है वेरी करता है अगर समर का टाइम है तो समर में ज्यादा ट्रीज ग्रो करते हैं सनलाइट ज्यादा मिलेगी तो फोटो ज्यादा होगी परसिपिटेशन जो रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आता है तो रेनफॉल जहां ज्यादा होगी वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होगा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटीरियल प्रोवाइड करते हैं लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं लोगों को ठीक है तो ये सारी चीजें हमने देखी थी उसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया में वेजिटेशन कवर अच्छा है इंडिया में हिमालय में अलग तरीके का वेजिटेशन होता है मरुस्थल में अलग तरीके का वेजिटेशन होता है ठीक है फॉरेस्ट रिपोर्ट टू के अकॉर्डिंग

क्या होता है जहाँ पे टू हंड्रेड से हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहां पे वेट डेसीडियस होता है और जहां हंड्रेड से सेवेंटी सेंटीमीटर का होता है वहां पे ड्राई डेसीडियस होता है थॉर्नी फॉरेस्ट में हमने देखा था डेजर्ट एरिया में जहाँ पे लेस देन सेवेंटी सेंटीमीटर रेनफॉल है वहां पर होता है माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन वाले एरिया में होते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है वो वेरी करता है ठीक है मैंग्रोव फॉरेस्ट को, कोस्टल एरियाज में होते हैं जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड हुआ अंडमान निकोबार निकोबर हुआ हुए और जो भी गंगा ब्रह्मपुत्र इन सबके जो डेल्टाज हैं वहां पर ये ग्रो करते हैं क्लियर तो ये हमने वेजिटेशन देख लिया देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन होता है ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होता है उसके इमीडिएट यहाँ होता है डेजर्ट में सबसे कम वेजिटेशन देखने को मिलता है और लद्दाख वाले रीजन में भी कम वेजिटेशन देखो देखने को मिलता है ठीक है माउंटेन फॉरेस्ट है और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कोस्टल एरिया में डेल्टा वाले रीजन में यहाँ यहाँ ठीक है चलिए नेक्स्ट अब हमने देखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इसको आपको नोट्स बनाने हैं इसे आपको इजी रहेगा एग्जाम टाइम पे अब एनिमल uh, स्पीसीज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी पाई जाती हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत सारी है नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो एक बार देख लीजिए देखो द चिंगम नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारा फिर केरला घना जो है वो ये दोनों राजस्थान का है शिवपुरी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर आता है मध्य प्रदेश में आता है राजगीर जो होता है बिहार में आता है कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है तडोवा जो है वो महाराष्ट्र में आता है सिमलीपाल उड़ीसा में आता है मानस और काजीरंगा आसम में आता है और यह है गोरुमारा यह है ना शायद वेस्ट बंगाल में आता है क्लियर उसके अलावा ये है गुंडी बेदान थंगल ये शायद तमिलनाडु में आता है क्लियर और संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में आता है गिर नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वर्ल्ड की सिर्फ लास्ट साइड है जहाँ पे एशियाटिक लाइन्स अभी भी जिंदा हैं ठीक है ये हमने देखा फिर वर्ड्स के बारे में हमने देखा था कि बहुत सारी आ, अलग अलग कलरफुल वर्ड्स पाई जाती है इनके कंजर्वेशन के लिए बैटलेंड्स भी होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की वर्ड्स पाई जाती है ठीक है फिर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव लिए हैं जिन जिसमें हम फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि 18 बायोस्पियर रिजर्व्स बनाए हैं जिसमें से 10 जो बायोस्पियर रिजर्व है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्पियर रिजर्व्स में आते हैं क्लियर उसके अलावा माइग्रेटरी वर्ड्स के बारे में हमने देखा कि जो विंटर सीजन में बहुत सारी वर्ड्स होती है पोलार रीजन से किधर की साइड आ जाती है ट्रॉपिकल रीजन में आ जाती है हमारे यहाँ एटीन बायोस्पियर रिजर्व ये इनके नाम आपको याद रखने हैं सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है नीलगिरी कहाँ पर है केरल में है नंदा देवी उधर है अपना कश्मीर वाली साइड पे है नौकरे कहाँ है आ, ग्रेट निकोबार का ये सारे आपको क्या करना है मैप में लोकेट करना है इससे आपकी मैक मैप की एक्सरसाइज होगी उसके अलावा गवर्नमेंट की अगर से टेक्निकल असिस्टेंट देती है कच्छ कोल्ड कोल्डर्समन पन्ना टाइगर रिजर्व को ठीक है तो फिर बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम टाइगर कंजर्वेशन राइनो कंजर्वेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ये चलाए जाते हैं उसके अलावा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोलॉजिकल गार्डन्स जो होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज exercise my first question i choose the right answer from the four alternatives given below टू विच वन ऑफ दाइपेजिटेशन डबर बिलोंग्स टू रबर का वेजिटेशन कहां पर होता है टुंडरा में ट्राइब हिमालय में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में होता है क्योंकि हमको पता है रबर कहाँ पर ग्रो करता है केरल में ग्रो करता है केरल में क्या आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट आता है फिर सिंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन कहाँ पर सिंचोना देखा था हमने देखा था हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल में आएगा देखो uh, मैं आपको दिखा देती हूँ किधर आएगा सिंचोना ये देखिए इबोनी महोगनी रोजवुड एंड सिंचोना रबर एंड सिंचोना ये सारे किस में आ रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आएंगे ठीक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये आएगा ठीक है नेक्स्ट है इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड तो उड़ीसा में आता है सिमलीपाल ठीक है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ हेरिटेज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ हेरिटेज में कौन सा है वैसे तो इसमें जो दिया है वो पन्ना है लेकिन अब पन्ना भी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ हेरिटेज में आ गया है ठीक है गल्फ ऑफ मन्नार एक सेकेंड गल्फ ऑफ मन्नार मानस नीलगिरी ओके okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली मतलब आपको आंसर्स देने अब देखो जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने चाहिए आपको क्या करना चाहिए आपने अगर समरी uh, कंप्लीट कर लिया समरी कंप्लीट करने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस को भले ही आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप uh, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या लिखना है लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जैसे कि व्हाट फैक्टर्स फैक्टर्स आर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया इंडिया में क्या क्या है जैसे हमने देखा लैंड अलग है रिलीफ फैक्टर है क्लाइमेट फैक्टर है मतलब टेम्परेचर अलग अलग है तो ये सारे फैक्टर्स आपको क्या करना है वापस से पीछे जाना है चैप्टर में और उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मार्क कर लेने हैं क्लियर वॉट इज़ अ बायोस्पियर रिजर्व बायो रिजर्व क्या होता है जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज को रिजर्व किया जाता है दो एग्जाम्पल्स दो कौन कौन से बायोस्पियर रिजर्व हमने देखे जैसे गल्फ ऑफ मन्नार हो गया नंदा देवी हो गए बायोस्पियर रिजर्व है कोई भी दो एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन द ट्रॉपिकल एंड द माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन कोई भी दो एनिमल्स के नाम बताओ जो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं और माउंटेन टाइप में रहते हैं ट्रॉपिकल एरिया में जैसे लाइन टाइगर हो गया माउंटेन टाइप माउंटेन टाइप में जैसे कि हमारा पैंगविन हो गया और

रेनफॉल लिखना है ठीक है मैंने इसके पहले भी बताया था उसके बाद फिर किस एरिया मतलब किस स्टेट में वो ग्रो करते हैं वहाँ की फेमस ट्रीज कौन कौन सी हैं ठीक है ठीके? ये आपको लिखना है फिर वहाँ पे फेमस एनिमल्स कौन कौन से हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं ठीक है ठीके? ये आपको लिखना है उसके बाद आप क्या लिख सकते हो

डेडियस फिर ट्रॉपिकल थर्नी फॉरेस्ट फिर हमने देखा था माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट ठीक है अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं में, तो 1, से 3, में कौन से पाए जाते हैं है? और थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर से हाई एल्टीट्यूड है तो वहां पर कौन सा वेजिटेशन पाया जाता है अल्पाइन वेजिटेशन पाया जाता है तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है क्लियर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंड इन इंडिया कौन से प्लांट्स और कौन किसी एनिमल्स की स्पीसीज कम से कम ट्वेंटी ट्वेंटी प्लांट स्पीसीज जो है वो इंडेंज एक्सटिंक्ट हो चुकी है बाकी बहुत सारी वन थर्टीन हंड्रेड जो है वो इंडेंजर्ड है वो आपको लिखना है ठीक है एनिमल्स में जैसे कि टाइगर हो गया ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया उसके अलावा वल्चर हो गए तो ये सारे क्या है एंडेंजर्ड है इंडिया में वो आपको सर लिखनी है ठीक है सारा कुछ आपको किस में दिया हुआ है ये बुक में ही दिया हुआ है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको थोड़ा सा आप करेंट अफेयर के साथ रिलेट करके लिखेंगे तो वो एक गुड फैक्टर आपके क्वेश्चन में एड करेगा आंसर में एड करेगा वाई इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री जो आती है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आती है हमारे यहाँ रिलीफ फीचर्स बहुत सारे हैं माउंटेन्स अलग है प्लेट्यूज अलग है प्लेन्स अलग है इस वजह

कहां, कहां आता है। अभी हमने में देखा था कि वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आएगा से दो नेशनल पार्क नॉर्दर्न में और सदर्न में ईस्टर्न में वेस्टर्न में दो दो नेशनल पार्क ये भी हम लोगों ने मैप में अभी प्रैक्टिस किया था वो आपको क्या करना है लोकेट करना है जैसे नॉर्थ में आपको करना है तो आप दचिंगम कर सकते हो फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको करना है तो आप काजीरंगा मानस नेशनल पार्क कर सकते हो साउथ में आप कर सकते हो केरल का और तमिलनाडु का कोई ऐसे ठीक है तो ये सारे करने हैं प्रोजेक्ट और एक्टिविटी फाइंड सम ट्रीज इन योर नेबरहुड हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज तो मैरिजाना हो गया ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल नीम हो गया ठीक है ये सारे जो हैं वो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं दस ऑक्यूपेशन गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम दी फॉरेस्ट जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गया ठीक है पेपर पल्प इंडस्ट्री हो गया फर्नीचर इंडस्ट्रीज हो गई और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जिनको रॉ मटीरियल मिलता है एग पोल्ट्री पौ, फार्म हो गए ये सारी चीजें ठीक है थीके? पोएम और पैराग्राफ जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस बताई जाए फिर ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में करनी है तो ठीक है आज के लिए इतना ही इसमें आपका पूरा चैप्टर फाइव कंप्लीट हो चुका है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे चैप्टर सिक्स उसके अलावा अगर आपको पूरा क्लास नाइन्थ की एनसीआर देखना है तो उसका प्ले मेरे चैनल पर बना हुआ है चैनल का नाम है शिवी सिंघल वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं और एक फेसबुक पेज भी है शिवी सिंगल के नाम से वहाँ पर भी मैं रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ अगर आपको वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं उसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है ठीक है थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे